સેલવાસમાં પીપરીયાના રાજા સિદ્ધિવિનાયક મિત્ર મંડળ દ્વારા ગણેશોત્સવનું આયોજન કરાયું ને ત્યારે ગઈકાલે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં પૂર્વ સાંસદ નટુ પટેલ, રાકેશજી ચૌહાણ, પાલિકાના ઉપપ્રમુખ કિશન પરમાર, કાઉન્સિલર મનોજ દાયત સૌએ ભગવાન ગણેશની આરતી કરી સિદ્ધિવિનાયક મિત્ર મંડળ સમિતિ દ્વારા ગણેશોત્સવની ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. पूरा कर दिया और यहाँ के जनता ने जो सहयोग किया है, यहाँ के दर्शन में जो आए हैं, एम पी आए, कलेक्टर आए, आर्मी सेवन भी आते हैं, बहुत गवर्नमेंट सर्वेंट भी आते हैं, हमारे बड़े सारे लोग भी आके चले और सब लोग ने आशीर्वाद दिया कि हम लोगों को रखा है मंडल और कितने टाइम आ गए हैं यहाँ पे ठीक है दूसरे टाइम यहाँ पे उपवास से रहते हैं, उसके लिए हमको बोलना नहीं पड़ता है सर कि गरीब का कहा है. राजा है ये गणपति जो है यहाँ पे वो पिपरिया का राजा कहलाता है और एक जो मैं बोलूँ सही बात यह है कि यहाँ की जो आरती है वो इतनी अच्छी आरती है, महाराष्ट्र में जैसे होती है आधा घंटा पौना घंटा, तो वो आरती का दर्शन करने के लिए लाभ लेने के लिए हम हर साल इधर आते हैं और श्यामा जी हमको बुलाते हैं, सिद्धिविनायक मंडल बुलाते हैं, इसलिए हम उनका बहुत बहुत. सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे प्रदेश की सारी जनता को इस गणेश चतुर्थी के महोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूँगा और मैं आपको एक कहना चाहूँगा शिव भाई कि ये हमारे पीछे जो हमारे करता करता हमारे पिपरिया के राजा जो बैठे हैं इनका ऐसा आशीर्वाद है, ये हमारे मन्नत के गणपति है, जिसने भी दिल से यहाँ माथा टेका है उनकी इच्छा जरूर पूरी है. यही आशा करता हूँ सारे प्रदेश के वासियों से कि एक बार हमारे पिपरिया के राजा का दर्शन लीजिए और सुख शांति समृद्धि सभी हमारे राजा के आशीर्वाद. हम लोग पड़ोस में रहते हैं, हम लोग ने अंबिकापुर में रहता था, हम लोग बिल्डिंग में एक ही बिल्डिंग रहते थे ऊपर नीचे, जब से बहुत पुरानी पहचान है. आज मेरे को पिपरिया के राजा का दर्शन करने के लिए आपने बुलाया, मैं आगे भी आया था. मैं ऐसा मानता हूँ कि इतने सालों के साथ चल रहा है और सम्राट भाई की पूरी टीम ने सालों से गणपति की पूजा करते हैं, बड़े धूमधाम से आयोजन किया जाता है और मैं मानता हूँ कि जय सर जी अभी सिलवासा के अंदर पूरे दादरा नगर हवेली में पहले ऐसा था कि सम्राट जी की मूर्ति सबसे ऊंची मतलब भाई अपने नाते थे, तो पिपरिया का राजा का नाम पूरे नगर हवेली में है. मैं ऐसा मानता हूँ यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को वहां के राजा और पिपरिया के राजा मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामना पूरी करें, सभी के दुख दूर करें और मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी पूरी टीम जितनी हमारे साथ में आए हैं हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि भगवान का दर्शन करने के लिए हम लोग को आमंत्रित किया गया और हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता की सेवा करते हैं और आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान हमको मिला है. और मैं जब ये लोकसभा चुनाव लड़ता था तो मराठी समाज और पंथी समाज सभी राजस्थान समाज हो गया और उत्तर भारतीय समाज हो गया, हमको बहुत बड़ा योगदान मिला है. तो आपका तो मैं ऋणी हूँ और आप लोगों का जो भी समस्या हो वो समस्या समाधान करने के लिए हमारी टीम आपके साथ खड़ी रहेगी और मैं सिद्धिविनायक मित्र मंडल का आभारी हूँ. फिर से मैं सांबराव भाई को अभिनंदन देता हूँ कि पूरी टीम को अभिनंदन देता हूँ कि आपने 38 साल पूरे किए और 39 साल में आप उससे भी बढ़िया धूमधाम से उत्सव मनाइए और हम लोग आपके साथ में तन मन धन से जुड़ेंगे. गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा पिपरिया की राजा जी पिपरिया की राजा जी जय.